$44 बिलियन देकर इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया और आगे अब ट्विटर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है। सो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है उदय, आप देख रहे हैं डिकोडिंग टेक, लेट्स स्टार्ट। देखिए शॉर्ट में अगर स्टोरी को एक्सप्लेन करें तो बेसिकली इलॉन मस्क ने $44 बिलियन दिए ट्विटर को और उन्होंने उसे खरीद लिया। अब ट्विटर जो है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी और इसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले अब अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि क्यों उन्होंने ट्विटर खरीदा। देखिए सबसे पहला रीजन ये है कि वो ट्विटर को एक फ्री स्पेस बनाना चाहते हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, कोई भी बंदा कोई भी टॉपिक लेकर वहां पर आए और अपनी बात रख सके। तो आप बोलेंगे कि भाई ट्विटर पे ये नहीं हो रहा है क्या, अभी भी तो वैसी है ना, फ्री स्पेस ही तो है। देखिए फ्री स्पेस है बट ट्विटर की कुछ गाइडलाइंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखिए फ्री मतलब मैं पैसे वाला फ्री नहीं बोल रहा हूं, देखिए फ्री मतलब यहां पे आजादी हो, कोई भी आकर अपना पॉइंट रख सके और उसे मतलब दबाया ना जाए। अब दूसरे रीजन पर आते हैं, वो है बॉट्स। देखिए बॉट्स क्या है, क्यों है और इसका क्या इस केस से रिलेशन है, वो मैं आपको चेंजेस वाले पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल थर्ड रीजन पर आते हैं। देखिए इलॉन मस्क जो है ट्विटर को एक ओपन सोर्स एल्गोरिदम या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए ट्विटर का एक एल्गोरिदम है, एक सिस्टम है बेसिकली जो काम करता है और बेसिकली आपको ट्वीट्स दिखाता है, आपको एड्स दिखाता है वगैरह वगैरह सब कुछ। अब एक आम कंज्यूमर को ये सारी चीजें नहीं पता होती है कि यार हम क्या लिखेंगे या फिर क्या ऐसा करेंगे जिससे ट्विटर हमको बैन करे या वायलेट कर देगा। ऑल द कम्युनिटी गाइडलाइंस पब्लिक होती है बट कुछ चीज़ें एल्गोरिदम में भी फीड की जाती है कि अगर कोई बंदा इस टाइप की या पर्टिकुलर टाइप की ट्वीट करता है तो उसको फ्लैग कर दिया जाए या उसको ब्लॉक किया जाए या बैन किया जाए अकाउंट, व्हाटएवर। ये सारी चीज़ें जो है एक आम कंज्यूमर को जनरली नहीं पता होती है। सो वो ये चाह रहे हैं कि इसको भी पब्लिक कर दिया जाए, ट्विटर का पूरा जो फंक्शनिंग है वो पब्लिक हो जाएगा। सो ट्विटर कैसे काम करता है, कैसे वो ट्वीट्स को फ्लैग करता है, कैसे अकाउंट्स को रिपोर्ट करता है, ये सारी चीजें हर किसी को पता होंगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि हम कंज्यूमर्स के लिए आगे चलकर अब चेंजेस क्या होने वाले हैं। देखिए सबसे पहला चेंज जो आने वाला है इसके बारे में काफी टाइम से बात चल रही है मार्केट में, वो है एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन तो देखिए सबसे पहली चीज है जो ये आने वाली है इस बेसिकली टेक ओवर के बाद। अभी ऑप्शन कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे ये ऑप्शन लाया जाएगा, क्या इसका मतलब फंक्शनिंग कैसे होगी, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, बॉट्स। देखिए बॉट्स को फाइट करना चाहते हैं इलॉन मस्क। देखिए कई बार आप देखते होंगे कि यार रैंडम चीज़ें या रैंडम नाम जो है ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, ये सारा जो है बॉट्स के कारण होता है। अब आप बोलेंगे ट्विटर इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा एल्गोरिदम है, तो इसमें बॉट्स कैसे कोई इंसर्ट कर रहा है। भाई देखिए दुनिया में दिमागों की कमी नहीं है, है ना, कोई ना कोई एक होता है इंसान जिसने ये सिस्टम को क्रैक कर लिया होता है और वो बॉट्स बनाता है, इंसर्ट करता है और उनको यूज भी करता है। सो बेसिकली इनको हटाया जाएगा ताकि जो फालतू के टॉपिक्स है वो ट्रेंड करना बंद करें और जो एक्चुअल इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो एक्चुअली ट्रेंड कर सके और उन पर बात हो रैदर देन रैंडम टॉपिक्स। तीसरी चीज की ह्यूमन ऑथेंटिकेशन। देखिए ये ह्यूमंस को ऑथेंटिकेट करेंगे कि भाई ये बंदा असली है, ये बॉट नहीं है या कोई फेक अकाउंट नहीं है, ये एक एक्चुअल पर्सन है। सो इस चीज का ऑथेंटिकेशन भी बहुत जल्द ट्विटर पे आपको देखने को मिलेगा। अब चौथा जो पॉइंट है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको ओपन सोर्स करने की तरफ काम किया जाएगा। सो अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं। देखिए जिस तरीके से चीजें जा रही है भाई, इलॉन मस्क डेफिनेटली एल्गोरिदम पर भी काफी ज्यादा काम करेंगे ताकि वो एक बेटर एल्गोरिदम बनकर बाहर आ सके। और हर कंपनी जो है, हर टेक कंपनी काम करती है कि उनके जो एल्गोरिदम्स है, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर कोई कंपनी ये चाहती है कि उनके एल्गोरिदम्स अच्छे से अच्छे हों और कंज्यूमर फ्रेंडली हों। सो यही थे वो सारे पॉइंट्स कि क्यों इन्होंने ट्विटर खरीदा है और क्या चेंजेस हम देख सकते हैं। अब नीचे आप अपने थॉट्स कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। एंड गाइस सेव सॉइल एंड टेक केयर, बाय बाय।